सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य क्या है और उसे किस प्रकार खोजा जाएगा, इस पर अनेक विचारधाराएं चल पड़ती हैं। सत्य तो केवल एक है और वो है कि आप ये शरीर मन अहंकार आदि व्याधियां नहीं, किंतु आप आत्मा स्वरूप हैं। जिस दिन आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, न कि आप पढ़ के लिख के वाद विवाद करके और कहे कि हम आत्मा स्वरूप हो गए, लेकिन वास्तविक में ये घटना आपके अंदर घटित हो और जिसके कारण आप स्वयं आत्मा स्वरूप हो जाएं, तब आप जान सकते हैं कि केवल सत्य क्या है। आजकल दुनिया में हम सोचते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, अपने मस्तिष्क से, दिमाग से। लेकिन ये केवल सत्य नहीं हुआ। क्या सभी लोग ऐसा सोचते हैं? तो बात नहीं। कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है वो अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी जाना वो केवल सत्य नहीं है। अगर मनुष्य का सोचना एक ही तरह का हो तब तो ना वो कहेगा ये केवल सत्य है। जिस वक्त मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में अलग अलग खड़ा हुआ है, तो वो अपने अहंकार से भी और अपने पड़े हुए संस्कारों से इतना अभिभूत हो जाता है कि वो जो कुछ भी सोचता है उसी दृष्टिकोण से सोचता है। जैसे कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा दिखाई देगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, कैसे बतलाऊं सब जग अंधा। इसका मतलब ये है कि अभी तक इस मानव चेतना में हमने इस दशा में वो सूक्ष्म दृष्टि पाई नहीं जो कबीर दास जी ने पाई थी, जो नानक जी ने पाई थी, जो राम ने पाई थी, जो श्री कृष्ण ने पाई थी, जो संत साधुओं ने अपने देश में अनेक संत साधु हो गए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जहां भी जाओ वहां अनेक सद्गुरु हो गए। आजकल के जमाने में तो सद्गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अधिकतर तो इन्हें कहा जाता है अगुरु या कुगुरु ही होते हैं। और सिवाय पैसा कमाने के वो कुछ नहीं जानते। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना है और पैसा कमाना है। एक सीधा सवाल अपने को करना चाहिए कि जिसको हमें पैसा देना पड़ता है वो हमारा गुरु नहीं हो सकता, वो तो हमारा नौकर होगा। क्योंकि अगर परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और उनकी उस शक्ति के कारण आज हम इंसान बन गए, उस जीवंत शक्ति को आप किस तरह से कुछ रुपया पैसा दे सकते। आप सोचिए कि एक बीज आप इस मां के उदर में डाल दें तो वो अपने आप ही जागरूक हो जाता है और उसमें अंकुर आ जाता है।
क्या आप इस माँ को कुछ रुपया पैसा देते हैं कि उस बीज को कुछ व्यायाम करने को कहते हैं? ये तो जीवंत क्रिया है और जीवंत शक्ति की ये जीवंत क्रिया है। सर, आप इसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक बीज से अंकुर आ जाता है, उसी प्रकार आप में से भी ये शक्ति जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है, सहज में जागृत होती है। सहज मतलब सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुई। ये शक्ति सहज आपके साथ पैदा हुई है, आपके अंदर स्थित है और इसके साथ आपको योग प्राप्त होता है। माने आप उस परम चैतन्य से जो निराकार में सारे संसार में फैला हुआ, जो अणुरेणु में हर जगह अपना अस्तित्व रखता है, वास्तव्य रखता है, उससे आप एकाकार हो जाते हैं। और ये घटित होता है सहज में और ये हर एक मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर मानव इसको प्राप्त कर सकता है। अब सब जितने संत साधु हो गए, जो बड़े बड़े हमने शास्त्र पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, सब में लिखा हुआ है कि अपने अंदर जो परमात्मा का रूप है, जो आत्मा स्वरूप है, उसे जाने बगैर भ्रम नहीं जा सकता। लेकिन बहुत से लोग ये भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि गर्मा परमात्मा एक ही चीज है और एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं, तब फिर ये आपस में हम लोगों में प्रेम क्यों नहीं होता? अभी तक जाना नहीं कि हम एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। मनुष्य की चेतना में अभी ये बात आई नहीं कि हम एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। जब ये हाथ में दर्द होता है तो दूसरा हाथ उसको सहलाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं इससे उपकार कर रहा हूं और बगैर सहलाए चाहिए नहीं, क्योंकि सारा शरीर दुखने लग गया। एक हाथ के दुखने से सारा शरीर दुखने लग गया। अगर आप एक शरीर से अंग प्रत्यंग सब लोग हैं तो फिर हम लोग अलग अलग कैसे? क्योंकि हम भूल गए एक बड़ी भारी बात जो हर पूर्वाद के देशों में, ओरिएंट में, पूर्वाद के देशों में आपको सोचना चाहिए कि जहां हम लोग बसे हुए हैं यही सोचा जाता है, खासकर भारतवर्ष में, कि संसार में जो भी चीज है ये विनाशी क्षणभंगुर और अविनाशी जो है उसे प्राप्त करना है। लेकिन अब जो लोग साहब हो गए, अंग्रेजियत आ गई, वो शायद इसको बिल्कुल भूल गए, पर अब भी हम जानते हैं कि हमें अविनाशी चीज को प्राप्त करना है। हर चीज विनाशी है और इस चीज के पीछे में हमें वहीं तक जाना चाहिए जहां तक इसकी मर्यादाएं हैं, उससे परे नहीं। ये हम सब जानते हैं, हम भारतीयवासी विशेषकर इस बात को जानते हैं। जब हम इस सत्य को एक जानते हैं और जब हम ये जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार होना ही हरेक धर्म का चरम लक्ष्य है। बहुत से लोगों ने तो देव देवताओं की बात नहीं करी, किसी ने तो परमात्मा की बात नहीं करी, ईश्वर की भी बात नहीं की जैसे बुद्ध ने, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जब तक इनका आत्मा साक्षात्कार नहीं होता
तब तक कोई भी बात करिए तो बात ही रह जाएगी और इनमें कुछ समझ नहीं आए। तो बेहतर है पहले सिर्फ आत्म साक्षात्कार करो, जो असली चीज है उसी को प्राप्त करो। सिर्फ तुम आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त करो, ऐसे बात कहते रहे।